कोलकाता की प्रीति भट्टाचार्जी ने सुपरस्टार सिंगर के पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में 9 साल प्रीति बाकी 5 फाइनलिस्ट मौली स्नेहा शंकर, हर्षित नाथ, अंकोना मुखर्जी और निष्ठा शर्मा को पीछे छोड़ते हुए विजेता घोषित हुईं। उन्हें सुपरस्टार सिंगर की ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए गए हैं। प्रीति की माने तो वे जीती हुई रकम से दादी और माँ का सपना पूरा करना चाहती हैं। प्रीति भट्टाचार्जी से हुई बातचीत के अंश, दादी का मुंबई में रहने का सपना पूरा करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं जीती हुई ट्रॉफी अपनी दादी को दूंगी, वे बहुत खुश हो जाएंगी। इसके अलावा जीती हुई रकम से दादी और माँ के सपने पूरे करूंगी। दादी चाहती है कि मुंबई में हमारा एक फ्लैट हो, उनके साथ साथ यह अब मेरा भी सपना बन गया है। मैं चाहती हूँ कि दादी अपनी जिंदगी के कुछ साल मुंबई में बिताएं। दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनते देखना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करूं। मैं जीत की रकम का कुछ हिस्सा प्रोफेशनल सिंगिंग सीखने में लगाऊंगी। नहीं सोचा था मैं इस शो में इतना लंबा सफर तय करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस शो में इतना लंबा सफर तय करूंगी और आखिर में खिताब अपने नाम कर लूंगी। मैंने इस शो के लिए बहुत मेहनत की थी। कोलकाता में जब ऑडिशन हो रहे थे तब मुझे नहीं लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं मुंबई आ जाऊंगी। मुंबई में ऑडिशन देते वक्त भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने इस राउंड को भी पार कर लिया। बस यहीं से इस शो में मेरी जर्नी शुरू हुई। सभी कमेंट्स याद रखूंगी। इस शो का अनुभव बहुत ही अलग रहा। मुझे गाने का शौक है। मम्मी के साथ गुनगुनाने से लेकर इतने बड़े मंच पर इतने बड़े लोगों के सामने गाने का अनुभव बहुत ही मजेदार रहा। इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। शो में जिस तरह के कमेंट्स मिलते थे वो मुझे मोटिवेट करते थे। ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं हमेशा इन्हें याद रखूंगी। दीपिका पादुकोण के लिए गाना चाहती हूँ। मुझे श्रेया घोषाल बहुत पसंद हैं। उनकी आवाज बहुत मधुर है। मेरा सपना है कि मुझे एक दिन उनके साथ गाने का मौका मिले। साथ ही मुझे दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उनके लिए जरूर गाना चाहती हूँ।